तैयारियां शैयारियां शुरू। गणपति बाप्पा मोरया। देखो जरा देखो। और पता नहीं क्यों अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा बुरा होता है। Hi YouTube family, welcome back to my channel. Hopes आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है, छत पे आई हूँ अभी टहलने के लिए। माता श्री नहा कर घर के मंदिर में पूजा पाठ करके चले गई हैं अभी शिव मंदिर की तरफ। जय हो सूर्यदेव भगवान। पूजा पाठ करके घर वापस आ चुकी हैं माता श्री। यहाँ पर अभी फास्ट खोला जा रहा है एकादशी का। व्रत तो खोल लिया मैंने, चावल को दाने मोमो पाती है। जो मजे। नमस्कार दोस्तों, राम राम जी, जय माता दी। नीतावट की रसोई में राजमा रखी जा रही है। ओहो, राजमा बन रही है। आज तो बेटा बहू आने वाले हैं, तैयारियां शियारियां शुरू। आप तो दो दो चीजें बनानी पड़ेगी मेरे को। क्यों जी? आरती भी नहीं खाती है राजमा, पापा भी नहीं खाते हैं इसके। तो बच्चे राजमा खाते हैं। तो सब्जी और बनेगी, एक और बनानी पड़ेगी। घर की साफ सफाई डन करने के बाद नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। ये सूट लास्ट मैंने आपको दिखाया था कि मैं इसकी फिटिंग करवा के लेके आई हूँ टेलर से, लेकिन आज फिर भी ये लूज लूज लग रहा है, यहाँ से भी यहाँ से भी। लेकिन इसका ना कलर बहुत प्यारा खिलता है ये। मम्मा फिलहाल रसोई में, आइए दिखाती हूँ आपको क्या कर रहे हैं। राजमा कुकर में उबल चुकी है हमारी। दूसरी तरफ तड़के की तैयारी भी कर ली गई है। गर्म गर्म तेल में जीरा, उसके बाद प्याज जाता हुआ। वाह वाह, हाथों हाथ कार्यक्रम चल रहा है आज। टमाटर काटा जा रहा है, हरी मिर्च रुक जाते तोड़ने में, आ रही थी वहाँ। अच्छा, घिया भी काट लिया, आलू भी काट लिया। इतनी तेज से स्पीड में काम किया जा रहा है क्यों मम्मा? जिस दिन गणपति बापा मंदिर में स्थापित किए थे, उनकी मूर्ति मंदिर में आई थी, उस दिन भी मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था। उस दिन से लेकर आज तक डेली हम लोग शाम को जा रहे हैं भजन कीर्तन में, आपको थोड़ा थोड़ा दिखाती रहती हूँ मैं। तो बड़ी रौनक सी लगी हुई थी, लेकिन आज वो दिन है जब उनका विसर्जन करना है, तो आज मंदिर भी सुना सुना सा हो जाएगा, गणपति बप्पा चले जाएंगे। पर ये हर साल की रीत है, आते हैं फिर जाते हैं, आते हैं फिर जाते हैं। इस बार जाएंगे तभी तो फिर अगली बार आएंगे। तो वेट रहता है उनके आने का, सबको इंतज़ार रहता है। सोशल मीडिया पे हम काफ़ी सारी वीडियोस देखते हैं गणपति बप्पा के विसर्जन को लेकर, कि विसर्जन के बाद उन मूर्तियों की क्या दुर्गति की होती है, कहीं सिर अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, जो देख देख के ना बड़ा बुरा सा लगता है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में हम लोग रहते हैं, नदियों को ऐसे दूषित करना वो भी सही नहीं है। तो मार्केट में इको फ्रेंडली गणपति बप्पा आ रहे हैं, उनको लेकर आओ, है ना, उनकी पूजा पाठ करो, उनको अच्छे से विदा करो। वो फिर घुल जाता है बीच में ना, मिट्टी सारी घुल जाती है, तो उसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती। हमारी भारतीय संस्कृति है, ये प्रथा शुरू से चली आई है, सब निभाते हैं, करते हैं, अच्छा भी लगता है। लेकिन अब यही है कि थोड़ा सा ना समझदारी की जरूरत है इस चीज़ को लेके। मम्मी यहाँ आकर बैठ चुकी हैं, सिमाज पे वहाँ सब्जी बन रही है हमारी। तड़का तैयार हो चुका है, यहाँ पर क्या प्यारी खुशबू आ रही है भाई साहब। मुझे राजमा खानी नहीं है, लेकिन मम्मी बना इतनी अच्छी देती है यार, क्या करूँ। मम्मी थोड़ी ग्रेवी ग्रेवी सी खा लूंगी, है ना। मैं ऊपर में तड़का तैयार कर लिया गया है एक बार फिर से, और इसमें भी ऐड की जाएगी घी, आलू की सब्जी। साइड में देखो, हाथ लगा के सारा पिलपिला सा हो रहा है, पता है इसमें सारा दर्द हो रहा है मम्मी में। हाँ वही तो, तभी तो दिक्कत है, पहले दर्द तो नहीं था कोई। देखो हाथ लगा, देखो सारा सारा ही, देखो ये सारा पिलपिला हो रहा है यहाँ पे। हो गया काट, वो चीर लगाना पड़ गया ना, मैं उसकी गर्दन काट के आऊंगी वहीं जाके देख लेना। मैं तो बड़ी मुश्किल हो यार, ये उससे तो पहले ठीक था, मुझे पता चल था ना काम इतना बिगड़ जाएगा। ये राजमा तैयार होगी मेरी, ये मेरे चावल तैयार हो गए। तैयार हो गए, तुसली होगी। ये मेरा घिया तैयार हो गया, आलू की सब्जी और दूध भी उबाल लिया, रसोई का सारा कार्यक्रम फिट कर दिया है, और आटा गूंथ के फ्रिज में रख दिया, क्योंकि मम्मी के बहू बेटा आने वाले हैं। तो मम्मी को ये कि अभी हम लोग जा रहे हैं गणपति विसर्जन में, तो अगर वो पीछे से आ भी जाए तो खाने में कोई परेशानी ना हो, और उनका फेवरेट खाना ही बना है आज। सही बात। घर कर दिया लॉक, निकलने लगे अभी। हरिओम गणपते नमः। गणपति बप्पा के लिए बिस्किट्स लिए जा रहे हैं, बिस्किट्स। जय हो भगवान। 10:30 बजे बुलाया गया था, 10:35 में हम अभी पहुंच चुके हैं। फिलहाल यहाँ कोई भी नहीं आया हुआ, पंडित जी हैं बस। गणपति बप्पा मेरा।
आज पंडिताइन जी बहुत खुश है क्योंकि पंडित जी का जन्मदिन है आज, और पंडिताइन जी आज पार्टी भी देंगी। सब मुंह छुपाते हुए पंडिताइन जी रंग लगाते हुए स्टिक गुम हो गई है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, जो कि मुझे मिल नहीं रही है। सारी संगत
उतर गई है ट्रॉली से। ध्यान से आराम आराम से उतरना, आराम आराम से। वेरी गुड। आज सुबह सिर धोने वाली थी मैं, फिर मैंने सिर धोया नहीं। मम्मी कहने लगे जाएंगे वहाँ रंग वगैरह डालेंगे करके, अच्छा हुआ नहीं धोया। अब आज अभी जाके है तो शाम को तो ना हो गया। आप अभी जाके देखते हैं क्या करते हैं जाके, शायद भैया भाभी भी आ गए हों, शायद ना आए हों, जाके पता लगेगा क्या हो रहा है। जूड़ा स्टिक वैसे कुछ खास तो नहीं थी, जूड़ा स्टिक ही थी वो, लेकिन ये था कि मैं मसूरी से लेके आई थी मम्मी के लिए स्पेशल। सुबह जूड़ा बना के ऐसे मैंने डाल दी, वो पता नहीं कहाँ खो गई, पता ही नहीं लगा मेरे को। सॉरी मम्मा। चलो कोई चलो चलिए गणपति बप्पा के विसर्जन में जाने के लिए। मम्मा को मैं मना ही कर रही थी क्योंकि एक तो थोड़ा बुरा सा लगता है, इमोशनल सा फील होता है, इतने दिन से पूजा कर रहे थे आज उनको विदा करके आ गए हैं, तो उस समय तो आंखें नम सी हो ही जाती हैं। मम्मी आप भजनों के टाइम पे आप रो क्यों रहे थे बताओ पहले? गणपति को देख देख के उनके आंखों को ऐसा लग रहा था ना जली रोक रहे हैं। अच्छा मासूम से लग रहे थे तो मासूम तो है ही वो, एक तो आंखें भरी आई मेरी। मम्मी रोने लग गए थे बीच भजनों में, तो जिस समय उनको विदा कर रहे थे ना वो जा रहे थे, उस समय मेरी भी आंखों से ऐसे तोड़ाट एकदम से, तो बहुत ही है ये फीलिंग। और ऊपर से ये था कि आज भाई भाभी ने और रिद्धि ने भी आना है घर, तो ये कि वो लोग घर में आएंगे फिर दरवाजे बंद ऐसे अच्छा नहीं लगते ना कि हम लोग घर में होने चाहिए, तो मेरे को लगता लेट हो जाएंगे आते आते। सब ऐसे ही बोल रहे थे कि 3-4 बज जाएंगे शाम के घर वापस आते आते, और अभी 2 बज रहे, 2:10 हम घर वापस आ चुके हैं। और रंग पूरा रंगी रंग हो रखा है, हाथों में पाँव में अंदर तक रंग पूरा अंदर रंगी रंग है। नहा रही हूँ मैं तो, आप नहाओगे? मेरा तो नहीं है, फेस तो आपके फेस में भी लगा ही हुआ है। वो हुई है, वैसे इतनी बार नहाना भी नहीं है ना। अच्छा आपके तो पट्टी लगी हुई है ना, खाली मुंह हाथ धो लो फिर आप, मैं नहा लेती हूँ। जस्ट अभी मैं नहा कर आई हूँ, तो यहाँ पे हमारी रितु घर में आ चुकी है। मम्मी ने मुंह हाथ भी नहीं धोया मुझे लग रहा अभी, है ना? हमारी लिद्दू पिद्दू आ गई है, हमारी भौजाई भी आ गई है। कैसे कृष्ण कन्हैया की तरह लग रही है, देखना पोज इसका। हंस के ओल निकाली है बुआ को, हंस के ओल निकाली है ना? मेरा बेटा। हाँ का कह ले हो? माऊ वहां से वो माऊ, यहाँ से ये माऊ, दोनों माऊ करने में लगे हुए हैं। रिद्धि हाथ नीचे करो। रिद्धू को गोद में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, वो कटिंग मेरे को नीचे छोड़ दो, नीचे छोड़ दो। एक बच्चा यहाँ से माऊ माऊ कर रहा है। यहाँ पे लंच टाइम हो गया है, लंच टाइम हो चुका है। नीचे घूमते ही नहीं हो? चलो चलो राजमा हम बना के तो बिल्कुल ओके गए थे, लेकिन अभी देख रहे हैं तो गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई। थोड़ा पानी गर्म करके इसमें ऐड किया जा रहा, जो रंग लगाया ना पंडिता इन जी ने वो पक्का रंग था। देखो इतना मल मल के नहाया मैंने, लेकिन फिर भी ये रंग उतरा नहीं है। मुंह धो लिया आपने मम्मी? हाँ धो लिया। अभी यहाँ पे खाना किया जा रहा है गर्म। आपका भी नहीं उतरा? मेरा भी नहीं उतरा, तो बाकी सब तो तैयारी है, बस फुलके बनाने, फुलके बना लेते हैं, उसके बाद सब एक साथ बैठ के भोजन करेंगे। आज तो सुबह फल भी नहीं खाए हमने, है ना मम्मा? आज सुबह से कुछ नहीं खा रखा। मम्मा कह रहे मैंने तो सुबह फास्ट ओपन किया था, तो मैंने तो थोड़ा बहुत खा लिया था, मेरे ध्यान में ही नहीं है कि तूने खाया नहीं था। अभी जब मैंने वीडियो में बोला तो मम्मी बोल रहे अच्छा तूने खाया ही नहीं है ना। ऐसा भी हो जाता है कई बार, ये जो लगन है ना ये भगवान के नाम की ऐसी होती है, सुध बुध भुला देती है, मतलब है ना वही वाले हाल है हमारे। थोड़ा बुरा लग रहा था मुझे, है ना? इतने दिन गणपति जी को रखा था रोज शाम को, ऐसा लग रहा था ना जैसे उनके आंसू नहीं आते। हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि गणपति बाबा रो रहे हैं। रोज शाम को मतलब भजनों में जाना, सोना भी नहीं ढंग से, आराम भी नहीं करना, भजनों में जाना भजनों में जाना, बस आज से छुट्टी फिलहाल की। जब नवरात्रे करते हैं फिर से ऐसे होता है, श्राद्ध उसके बाद नवरात्रे, नवरात्रों के बाद त्योहार ही त्योहार, दशहरा आ जाएगा, दिवाली आ जाएगी, करवा चौथ आ जाएगा, शिवरात्रि जगह तो होते ही होती ना इसकी। रुक जाओ कच्चा अभी, कच्ची के कहे अनुसार मैंने यहाँ पे सलाद काट दिया है अभी, और हमारी राजमा भी गर्म हो चुकी है, साथ में खाएंगे मम्मा। हो गया तू वहाँ रखेगी, मैं उतर आ गई। चलो ठीक है, होगी उस कमरे में ले जाना, एसी ऑन कर ही रखा, वहीं बैठते सब एक साथ खाएंगे। खाने का मजा तो एक साथ खाने में ही है। पापा कब तक आएंगे? पापा को फोन करूँ क्या? क्यों करना है, पापा अपने आप ही आ जाते हैं, लेट हो जाते हैं वो आते आते, वो खाते नहीं है घर आके, वो तो मेस में खाते आते हैं।
हाँ पापा अपनी मेस में खाना खा के आते हैं, फिर वैसे हम बना के हमेशा ही रख रहे हैं पापा के लिए दोपहर को। से भूख लग जाती हूँ, सुबह से नाश्ता नहीं करते हैं ना। दोपहर का पापा शाम को खा ले रहे थे ना जब हम भजनों में जा रहे थे, तो उनको 11 बजे खाते हैं, 11-12 बजे। अच्छा, उनको घर आके भूख नहीं होती है। हाँ हाँ, वो वही 6 बजे उनको फिर चाहिए रोटी। खाने पीने का जो भी आइटम हमने बनाया है सब शिफ्ट कर दिया मैंने बाहर वाले रूम में, यही खाएंगे सब। आ जाओ मम्मा, दादू को परेशान मत कर लो। नोबिता कह रहा है मेरे को मिलो पहले मैं मिलूंगा डाडू से। पानी पी लिया पापा इसने, आते पहले पानी पिलाया इसको। गर्मी से बुरा हाल, पापा के घर आते ही दोनों पंखे एक बार में चला दिए हमने बिल की परवाह ना करते हुए। हमने सभी ने भोजन कर लिया अभी एक साथ, बहुत आनंद आया। पिताजी वही जैसे कि हम कह ही रहे थे कि भोजन करके आए थे, तो उन्होंने थोड़ा सौंफ के दाने खाए और कुछ नहीं खाया हमारे साथ। रिद्धि ऊपर से इतना मचल रही है ना खाना खाने के लिए, मुझे कुछ खिला दो, अच्छा हम खाना खा रहे हो। पापा कह रहे सो भूख लगी, इसी कह रहा नीम दूध पी के आई थी रस्ते में, सच में भूख ही लग रही थी उसको। एकदम तो चिक्के मारने लगी, खाना डो। छोटे बच्चे कैसे हो जाता था। सही बात, आज मौसम ऐसा आ रहा है, कभी लग रहा है धूप, कभी लग रही है कि छाँव बारिश आएगी। आ ही नहीं रहती भरे में, हिम्मत से हो रही है, गर्मी ज्यादा नहीं होगी पहले से। कुछ थोड़ी देर एसी में बैठ जाओ ना, उसके बाद यहाँ आओ भाई, ऐसे लगता है कि बस हम तो दिन को चलाते ही नहीं है। हाँ रात को ही चलाते हैं। जिसे वही तो कह रहा है यार, तुम इतनी गर्मी में बैठे हो एसी क्यों नहीं चला रखा। मैंने कहा भाई तेरे को क्या बताओ, कंजूस माँ के बारे में कंजूस क्या हो इतना, जब घर में नहीं भी एसी में रहे तो सही रहता है। जब हमने एक बार एसी में चले गए ना फिर मन नहीं करता गर्मी। थोड़ी देर पहले ही नहाया था मैंने, मेरी शक्ल देख के कौन कहेगा कि मैंने नहा रखा है करके। अभी सब लोग बाहर वाले कमरे में हैं, भैया भाभी रिद्धि मम्मी पापा सभी, नोबिता भी उधर ही है, मैं भी उधर ही जा रही हूँ। एसी चली रहा है, वहीं व्लॉग एडिट करूँगी, आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी। तो ठीक है गाइज, मिलती हूँ भी आप सभी को ब्रेक के बाद। व्लॉग एडिट किया, आपके कमेंट्स के रिप्लाई किए, उसके बाद नींद सी आने लग गई थी, सब सो रहे थे, मैं भी सोने लग गई। वहाँ गए ना विसर्जन में, बहुत थकावट हो गई एकदम से, अब भी मन कर नहीं रहा था उठने का, लेकिन वही है रात फिर सोने के लिए होती है, अगर अभी सोते रहेंगे तो उठेंगे कब। अभी घर में भैया भी उठ चुके हैं, भाभी भी उठ चुकी हैं, रिद्धू हमारी सो रही है, पापा ने लंच किया नहीं था, वो भी भोजन कर रहे हैं, फिर रात को खाना खाते नहीं है वो, शाम को समय पर खाना खा लेते हैं। 6 से ऊपर टाइम हो गया, तो जोशी जी का फ़ोन आया, तो फ़ोन से एकदम से उठे हम लोग, तो पता नहीं कौन सी बेहोश वाली नींद सो रहे थे, सबके सब थके हुए। मम्मी अभी भोजन गर्म करके पिताजी को दे रही थी, तो मुझे कहने लगी नोबिता को घुमा ला, तो मैं नोबिता को लेके आई हूँ घुमाने के लिए। नोबिता घूम रहा है हमारा, ये बहुत टाइम लगा देता घूमने में, मूडी है ये, बहुत ज़्यादा मूडी, इसका मूड ही नहीं बनता जल्दी जल्दी कहीं पे। देखो जरा देखो ये क्या हो रहा है, बसंती आई है मिलने नोबिता से। मान जा। सांस देखो कितना चढ़ गया इसको, एसी में था ना अंदर, अभी गर्मी बहुत हो रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुबह गिरीश भैया के ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा, सुन भी लिया होगा उनके मुंह से कि बड़ी भाभी के पिताजी जो हैं वो काफ़ी बीमार हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। आज हम देखने के लिए उनको गए थे हॉस्पिटल, लेकिन इतना देख के अच्छा लगा कि पहले ICU में भर्ती थे वो, एमरजेंसी में ज़्यादा, अभी भी एमरजेंसी में ही है, लेकिन अभी एक ही वार्ड में आ चुके हैं, मतलब कि जो ज़्यादा खतरा था वो भी थोड़ा टल चुका है। तो तबीयत तो उनकी ख़राब है ही, आपको पता ही है पहले से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है करके, अभी बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी भी ऑक्सीजन लगी हुई थी उनके, और बोलने की कोशिश वो करते, बोल तो रहे थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था उनको प्रॉपर कि क्या बोलना चाह रहे हैं क्या कह रहे हैं। आंटी को फिर भी समझ होता ना पति पत्नी की बॉन्डिंग, तो आंटी फिर भी समझ ले रहे थे, वो बता दे रहे थे ट्रांसलेट करके हमें, बार बार वो हाथ हिला दे रहे हैं तो हाथ में स्वेलिंग आ रही है, तो डॉक्टर को ग्लूकोज चढ़ा हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देख के मेरे को अंकल को देख के ना, मैं बैठ के पता नहीं, मैं अभी सामने रो तो सामने वो भी होता दिल वैसा हो जाता है ना,
मरीज का भी, लेकिन मेरे को देख के ना बार बार मैं मुंह साइड कर करके रो रही, मुंह साइड की कोई देखे ना, फिर ऐसा भी लगता है कि रो रही, पर कंडीशन ऐसी थी ना देख के मन ऐसे बैठ ही गया, जैसे कि क्योंकि अंकल ना ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्तेदार है या भाभी के पापा है इसलिए वो अच्छे हैं, वो असल में ही बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बुरा वक्त भी जीवन में आया हमारे, वो हर चीज़ में हमेशा साथ रहे, बार त्यौहार भाभी भले ही उधर है फिर भी हर दिवाली में आते थे अंकल ना घर पे, दिवाली लोहड़ी में हर त्यौहार में आते थे, और हर चीज़ में बराबर, दुख में भी खड़े होना, सुख में भी खड़े होना, मेरी सगाई में, मेरी शादी में, हर चीज़ में मतलब बराबर का सहयोग, साथ में खड़े होना हर चीज़ में। तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी, इतनी बीमारी के बावजूद भी उन्होंने जॉब नहीं छोड़ी, रेगुलर वो जॉब पे अभी भी जाते हैं। अभी एक महीना हो गया करें, आप नहीं गए अभी, एक मंथ से लास्ट नहीं गए वो, लेकिन मतलब बहुत हिम्मती इंसान कह सकते हैं। जोशी जी भी बहुत तारीफ करते हैं इस चीज़ की, जब भी हम आते हैं हमेशा जोशी जी मिल के आते हैं अंकल जी को, तो वो बहुत अच्छे इंसान है। आप सब लोग भी प्रे करना उनके लिए कि अंकल फटाफट से ठीक होकर घर वापस आ जाए, हेल्दी होकर एकदम से, तो हमारी भी यही दुआ है दिल से। तो भी थोड़ा ऐसे ना मन बड़ा ऐसा खराब सा हो रखा है, और तेरे को देखो मेरे को भी आ गया था, मैंने वही ना बार बार वही अंकल का मेरे से फेस ही, मैं उनको फेस ही नहीं कर पा रही थी, मतलब ऐसा हो रहा था मेरे साथ, मेरा अभी भी ना सिर इतना भारी भारी सा हो रहा है। तो खूब सारी दुआएं देना, खूब सारी प्रे करना। वहां पर तो फिर भी इन्हें रो रही थी, फिर बाहर आकर फुट फुट के रोई जब उनके सामने, तो फिर रोना मेरे को ऐसे लगा कि नहीं सही नहीं है, ग्रीस पार्किंग में गया था गाड़ी लेने के लिए, एकदम से होता है ना मम्मी को देख के, पापा भी कह रहे थे आंखों में क्या हो गया क्या हो गया, मैं कुछ नहीं, जैसे मैं मेरे पास आया एकदम गले लग के, मैं इतना फूट फूट के रो गई, इतना रो गई ना कि यार जिस इंसान को अच्छा भला देखा हो ना आंखों के सामने, और पता नहीं क्यों अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा बुरा होता है, पता नहीं क्यों होता है यार उनके। चलो भुरना सब अच्छा करेंगे, अच्छा अच्छा सोचते हैं, सब अच्छा अच्छा होगा। आप लोग भी खूब सारी दुआएं देना, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, चलो बाय 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 बाय। ओ भाई।